क्या फैसला किया है तुमने? देखो, तुमसे कोई मिलने आई है। अम्मी, मुझे अम्मी कहने का हक तूने खो दिया है। मैंने तो सिर्फ 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है, लेकिन जिस धरती माँ ने 21 साल तक तुझे अपने सीने से लगा कर रखा, अरे तू उसका नहीं हो सका तो मेरे लिए तेरे दिल में क्या जगह हो सकती है? मैं तुझे कोई नसीहत नहीं देने आई हूं, बल्कि आखिरी बार अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देखने आई हूं। मत कहिए ऐसा अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश की मां अपने बेटे को गद्दार के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मां और इस मुल्क दोनों को शर्मिंदा किया है। एक बात याद रखना गुल, जिस बेटे को मां अपने दिल से उतार कर फेंक देती है ना, उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना इस दुनिया में ना ऊपर की दुनिया में। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है गुल। बेटे, इसमें तेरी भलाई है। कैप्टन साहब ने मुझे वादा किया है, ये तुझे छोड़ देंगे। अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है कैप्टन साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। हेलो, नूर मोहम्मद आजाद, हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सरकार के साथ है। अगर जिंदगी चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर गुल को छोड़ दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक फौजी को धमकी दे रहे हो आजाद, वो भी इस पागल फौजी को। आजाद, मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता। अगर तुमने गुल को नहीं छोड़ा तो अपने देश के नाम पर शहीद होने के लिए तैयार रहना। मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करना चाहते हो या मेरा सीना अपनी गोलियों से छलनी करना चाहते हो? मैं तुम लोगों की चाल को अच्छी तरह से समझता हूँ तूफान, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? तुम मुझे गलत समझ रहे हो आजाद। हिंसा के सहारे आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं एक फौजी नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से तुमसे मिलना चाहता हूँ, और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं अकेले आऊंगा और निहत्ते आऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुलाकात की जगह और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलो, क्या बात करना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि तुम भी इस देश के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम यह लड़ाई लड़ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्हें तुम्हारी आजादी से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद सिर्फ हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखना है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने साथियों के साथ हथियार डाल। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम लोगों को कोई सजा नहीं होगी, तुम सब फिर से एक इज्जतदार शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकोगे। लगता है तुम्हारी हुकूमत हमारी ताकत से घबरा गई है कैप्टन, इसीलिए तुम्हें अहिंसा का अवतार बनाकर यहां भेजा है ताकि तुम नॉन वायलेंस की बात करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर सको। मगर यह नामुमकिन है कैप्टन, कोई भी इंकलाब अचानक नहीं आ जाता। जुल्म और बेइंसाफी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है तब जन्म लेती है बगावत की आंधी। तुम्हारी हुकूमत ने आज तक हमें दिया ही क्या है कैप्टन, आज भी हमारे घरों में अंधेरा है। 50 साल हो गए आजादी को मिले, लेकिन हमारी कौम के लोग आज भी गरीबी की लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों कैप्टन? इसके लिए तुम सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तरक्की और खुशहाली
राशन की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है जो राशन कार्ड के जरिए तुम लोगों को दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने सच्ची बात कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे देश में शाही हुकूमत नहीं है आजाद, जनता की सरकार है। जो भी तुम्हारी मांगे हैं सरकार के सामने रखो, लेकिन कश्मीर को मुल्क से अलग करने की बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मसले का हल अब बातचीत से नहीं होगा कैप्टन, क्योंकि हम सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब अगर हमारे बीच कोई फैसला होगा तो वो सिर्फ जंग से होगा। हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए कैप्टन, हर कीमत पर आजादी चाहिए। आजाद, इस वक्त मैं एक हिंदुस्तानी ऑफिसर ने एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूं, रोक दो ये सब। मैदान जंग में आकर हमारा मुकाबला तो वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम। फिर तुम और तुम्हारी ये चंद साथियों की औकादी क्या है? एक बागी जब अपने दिलो दिमाग में इनकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना कैप्टन, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम्हारी सरकार भी झुकेगी और देश का ये हिस्सा जो हमारा है उसे तुम लोगों को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। ये जंग तो अब उस दिन खत्म होगी जिस दिन इस सरजमीन पर हमारा अपना कौमी परचम लहराएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा आजाद। अगर तुमने कोई कौमी परचम बना लिया है तो उसे कफन समझकर संभाल कर रखना, और जाके उन्हें भी बता देना जो तुम्हारे पीछे हैं कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। इस आंचल के साय में रहोगे तो जिंदगी रहेगी, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जाओ अपनी अम्मी को लेकर कहीं और चले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। सर, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। थैंक यू सर। मैंने फैसला कर लिया है गुल, गाजीपुर में मेरी एक चचाजात बहन रहती है, हम दोनों वहीं चले जाएंगे। ठीक है अम्मी। और हाँ, जाने से पहले पीर बाबा के दरगाह पर चलते हैं, मैंने मन्नत मांगी थी, जब तू छूट जाएगा तब फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। ठीक है अम्मी, चलो। जब निगाह से पहली पहली निगाह मिली, फिर उसके बाद न अब तक कहीं पनाह मिली, मताए कौन मका भी मिले तो ठुकरा दूं, ये कम नहीं कि मुझे तेरी बारगाह मिली। गुल, मैं यहाँ तुम्हारे रिहाई के लिए दुआ मांगने आई थी, लेकिन मेरी मुराद तो दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले ही पूरी हो गई। अम्मी, मुझे जाना होगा, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। आजाद को पूरा यकीन था कि तू मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। फिर भी हमारे पिछले इलाकों पर छापा पड़ा, ये तो अच्छा हुआ गुल कि हम लोग वहां से सही वक्त पर निकल गए, वरना मारे जाते। एक बात तो बता गुल,
तू वहां से भागा कैसे? पुलिस वालों को मारकर भागा हुआ था सर, अगर नहीं भागता तो वो लोग मुझे मार डालते। You've done a great job. पुलिस वालों को मारकर भागना कोई आसान काम थोड़ी है। हमारे मूवमेंट को तेरे जैसे बहादुर की सख्त जरूरत है। थक गया होगा, आराम कर। आजाद आजादी गुल को कुछ इस पर निगाह रखने की जरूरत है। कादरी साहब और आजाद भाई के सामने झूठ बोला था कि मैं पुलिस वालों को मार कर आया हूं। दरअसल ये कैप्टन अर्जुन सिंह की मेहरबानी का नतीजा है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। या अल्लाह। तस्नीम, पुलिस इतनी जालिम नहीं है जितना हमें बताया गया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब यहां से भाग चलते हैं तस्नीम, यहां से भाग चलते हैं, चलो। देखो चलो। आजादी खून मांगती है, आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है, खून बहाना भी पड़ता है। नकपाल। यस सर। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। गुल। 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 मेरी तस तस तस्नीम सर। तस्नीम को कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं सर, नहीं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है सर, मेरे जाने का वक्त आ गया। ये कुरान शरीफ मेरी अम्मी को दे दीजिएगा सर। आपने तो मुझे माफ कर दिया सर, लेकिन शायद ऊपर वाले के सामने मेरे गुनाह माफी के काबिल नहीं थे सर। नहीं गुल, पश्चाताप के आंसू से सारे पाप धुल जाते हैं। जिंदगी तो एक कतार की मिली थी सर, लेकिन मरना मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी बनकर चाहता हूं सर।
सच्चा हिंदुस्तानी बनकर। जय।